वैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो सर मर जाए चाहे जीजा, हम तो हाथ ही में देंगे। और हमारी बहन जी पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। मंत्री के बेटे ही नहीं ने किसानों के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी थार और उसके लखीमपुर खीरी सॉरी और वहाँ के उसको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। और जो जमानत भी मंत्री का बेटा था उसे इलेक्शन से पहले जो है जमानत भी मिल गई है। अब कानून का सवाल तो सीधा उठता ही है। फ्री नहीं चाहिए हमारे जो खेती में या तो भी सही है। रात पूरी रात डरे मजूरी करे ना जाए पा रहे भाई देख रहे ने कहा तो कहूँ करे हमें भाई ना कर पा रहे। जैसे जैसे मौसम में गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हम प्रजाबाद की टूंडला विधानसभा के गांव में हैं। ये गांव बनकट है, बनकट गांव है। ये गांव के लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ चुनाव का गर्मी और का माहौल है, क्योंकि परसों ही चुनाव यहाँ होना है। 20 फरवरी को यहाँ के जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे और अपनी सरकार चुनेंगे। तो अब तक का जो चुनाव प्रचार रहा प्रत्याशियों द्वारा या फिर यहाँ के नेताओं द्वारा जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या क्या दावे और वादे किए गए उसकी पड़ताल के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। खबर एक्सपर्ट की चुनावी यात्रा में आपको बता देते हैं ये गांव के लोग अपनी बात को यहाँ रखेंगे आज खबर एक्सपर्ट पर। कई लोग हमारे साथ हैं और सबसे पहले आपसे जान लेता हूँ बाबू जी क्या नाम है आपका? नाम महेश है। महेश जी क्या कुछ रह रहा है इस बार चुनाव में, क्या चलने वाला है यहाँ पे? यहाँ तो हाथी चल रहा है। अच्छा, यहाँ तो सब वोट हाथी को क्यों ऐसा क्यों आपने तय कर लिया हाथी को ही देना है? मोदी ने यहाँ कुछ कराया तो है नहीं है, नाली भर रही है सब रंजन की और नाली अभी कीच भी जल के लिए नहीं है, इसलिए हम तो मायावती ये देंगे बहने। अच्छा, बहन जी को वोट करेंगे? तो बहन जी का शासन पहले रहा था तो आप पहले खुश थे? सभा खुश है और ये बम्बा चलवाया था, बम्बा बिल्कुल नहीं पानी आया है इसमें और खेती सूख रही है, सब पानी की समस्या ज्यादा है। मतलब अखिलेश यादव कह रहे हैं किसानों को फ्री बिजली देंगे, किसानों का जो ट्यूबवेल का बिल है वो उसका बिल नहीं आया। कोई नहीं देता है, सब कहते हैं सब कोई नहीं देता है। अच्छा, मायावती जी पर विश्वास वो काम कराएंगे? हाँ, मायावती पे विश्वास हमारा था। राकेश जी यहाँ विधायक थे, वो पहले मायावती की पार्टी से थे, इस बार वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी वोट मांगने आपके यहाँ आए होंगे, उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं दे यार, वोट का नहीं करते हैं हम तो हाथी में देंगे। पहले वो तो विधायक रहे हैं ना, उन्होंने काम तो कराया। पहले इस पार्टी से लड़े तब उन्हें भी लगाया था, अब वे साइकिल दे। काम तो कराया नहीं, काम कुछ नहीं कराया। कह रहा है मायावती जी की सरकार में काम हुआ था? हम तो भी नहीं देंगे, पार्टी के आदमी हम तो भी नहीं देंगे। कोई भी हम साधु सुना वोट देंगे आप? हाँ, ऐसा कुछ चल रहा है क्या मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को लेकर यहाँ रुझान बाबू जी ने बताया ऐसा कुछ है, क्या कारण है? यहाँ तो सर मर जाए चाहे जीजा, हम तो हाथी में देंगे। और हमारी बहन जी पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है और हमारे माननीय बाबू जी अमर सिंह जी जो यहाँ से टूंडला विधान 95 विधानसभा से सुरक्षित सीट से जीत रहे हैं, सर्व समाज का उन्हें समर्थन मिल रहा है और वो भारी मतों से जीत रहे हैं। क्या कारण, कुछ कारण है जिसको लेकर आप समझन समर्थन की बात कर रहे हैं, क्या कारण है इसे? क्या कारण है ऐसे बहुजन समाज पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सर उन्होंने बहुत, बहन जी ने, हमारी बहन जी ने बहुत काम किया है। देखो किसी अखिलेश यादव जी हो या योगी जी हो, किसी ने अभी तक सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं निकाली, हमारी बहन जी ने निकाली, शिक्षक भर्ती उन्होंने निकाली और यही सारी भर्ती बहुत सारी हमारी बहन जी ने भर्ती निकाली और किसी ने आज तक भर्ती नहीं निकाली। और अच्छा, भर्ती की बात चल रही है, अखिलेश यादव ने कल टूंडला में ही आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम भर्ती निकालेंगे, हालांकि बाबा गर्मी निकालने की बात कहते हैं। सर अखिलेश यादव की सरकार 5 साल पहले रही, उन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली और बाबा तो अब की बार मंदिर में चले जाएंगे, उन्हें तो पूजा ही करनी है। अब की बार हमारी बहन जी आ रही है पूर्ण बहुमत से, क्योंकि बाबा तो कहते हैं 4 करोड़ रोजगार दिए हैं उन्होंने। उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने तो बस गैया छोड़ दी है किसानों के लिए, मुसीबत पैदा करेंगे, सब नाच वाली है। और वो मेरा अमनीश कुमार नाम है और मैं बहन जी का आदिन अपने दिल से स्वागत करता हूँ उनका, जो पांचवी बार मेरे वाले समर्थक करने वाले हो दिल से जी जान से लड़ता हूँ और मैं अपने सिर कटवाने की अहमियत रखता हूँ बहन जी के लिए वोट डालने के लिए और डरवाने के लिए। हाँ, और पांचवी बार मुख्यमंत्री बननी है, जिनने वो सहयोग किया हमारे लिए और यहाँ तक कि कोई कर नहीं सकता यहाँ योगी। क्या क्या काम करवाए थे? क्या काम करवाए थे आपके के लिए? बहन जी ने तो राज्यसभा सांसद 20 दिल्ली से सांसद इस्तीफा दे दिया था, एक दलित के लिए दे दिया था, क्यों? बीजेपी ने हमारे दलित लोगों के लिए बादरपुर में आग लगवाई थी, उस काम में लगवाई थी और दल बहन जी ने बोलने दिया बहन जी को तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मेरा
बोलने का अधिकार ही नहीं है तो मैं दलित भाई हूं। दलितों की जो बात कही जा रही है तो दलितों का साथ इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ है इस बार पूरा साथ है सर पूरा। ये जाट अभी नहीं पूरे दलित जितने दलित हैं चाहे वो बाल्मीकि हो दिवाकर समाज हो बाल्मीकि समाज हो सब सर्व राकेश बाबू सर होते BSP था तो हमने वोट दिया था सर लेकिन इस बार हम नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने दल बदल दिया। वो ही दल बदल सकते लेकिन हम दल नहीं बदलेंगे BSP में ही देंगे। अगर एक बार बहन जी भी मना कर देंगे हाथी में मत दो तो भी हम हाथी में ही देंगे। हाँ सर ऐसा हो रहा है ऐसा ही होगा हाथी में देंगे और देते रहे हैं और देते रहेंगे हमेशा करने वाले समझते हैं कर रहे वाले हैं और कर रहे हाथी में देंगे बोल और क्या जो BSP ने करवा रखा है आज नोएडा उनकी विजय से चमन है। मेट्रो कौन लाया मायावती लाई। एक्सप्रेस नकलू है से कौन लाया मायावती लाई। पारिक कौन है बनाया मायावती ने बनाया क्यों अपने लिए नहीं बनाया वो जनता के लिए बनाया जनता के लिए सर एक्सप्रेस नहीं नोएडा एक्सप्रेस सरकार बना था। कुछ लोग हमारे साथ हैं अम्मा किसको वोट दे रहा है यहाँ से वोट मिलेगा मायावती को हाथी भी हाथी वोट मिलेगा ऐसा क्यों ऐसा मायावती सब सुविधा करती है हमारे लिए अच्छा और पूछते ही है। तो पिछले 5 साल में योगी जी मुख्यमंत्री रहे उन्होंने काम नहीं करवाया कुछ नहीं करा हमारी पेंशन भी नहीं बनवाई कुछ ना कुछ काम नहीं पटवाई और रही पटवा रहे हैं किसको वो जगह छिड़वाई रही। अच्छा क्या हो गया ऐसा क्या हो गया आज वो पत्थरियाँ मारता रात में वो आवते हैं निकलता गजा खाली करो भाजो यहाँ से भागो ऐसा क्या क्या कहना चाह रही हैं थोड़ा आप बताएंगे क्या मेरे पत्थर फेंकने वाले क्या कुछ है क्या हो रहा है ऐसा क्यों परेशान क्यों है उनको ही मालूम हो कि परेशान क्यों कर रहे कौन परेशान करता है वो रात में आवते हैं बेहतर हुआ आवते हैं क्या जो आप क्या कुछ है ऐसा कुछ क्या मामला है जिनको लेकर बताना चाह रही हैं। अब ये बोल रही हैं कि मैं घर पर रहती हूँ अकेली हूँ इनके 2 लड़के थे वो कहीं बाहर जॉब करने प्राइवेट करते हैं तो कर चले गए अब ये घर पर रहती हैं अकेली तो ये बोलते हैं कोई पत्थर फेंकता है मेरे यहाँ पे और कोई मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। कानून व्यवस्था पर सवाल एक तरह से कर रहे हैं। अच्छा ये कानून व्यवस्था की बात में जब आई गई है तो योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में गुंडे जो थे गुंडे वो या तो प्रदेश होकर चले गए या फिर वो जेल में हैं या फिर वो मारे गए एनकाउंटर में ऐसा कुछ आपका क्या मानना है कानून व्यवस्था को लेकर। सब कहते हैं कि मारे गए वो योगी जी बोलते हैं कि पलट जाती हैं बसें और वो विकास दुबे थे वो जा रहे थे वो सही था उनका अब उनके लिए पता है वो गुंडे थे लेकिन वो अब ऐसे तो नहीं है कि वो गाड़ी एकदम ऐसे पलट जाएगी क्योंकि सब उन्हीं का था और उनके कहते हैं कि उनके कुछ राम गुंडाराज हट जाता है। अभी मिर्जापुर के साथ कौन सा गाँव था वो सुल्तानपुर साहब किसानों वाला था वो एक मंत्री के बेटे ही नहीं ने किसानों के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी थार और उसके लखीमपुर खीरी सॉरी और वहाँ के उसको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है और जो जमानत भी मिलेगी जमानत भी मंत्री का बेटा था उसे इलेक्शन से पहले जो उसे जमानत भी मिल गई है। अब कानून का सवाल तो सीधा उठता ही है अब कहाँ इतना कानून सवाल। यहाँ दलित बाहुल्य एरिया में हम खड़े हैं ज़्यादातर लोग मायावती जी यानी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं वो किसी प्रत्याशी की भी नहीं बात कर रहे क्योंकि राकेश बाबू एडवोकेट पहले थे वो भी दलित हैं लेकिन वो इस बार समाजवादी पार्टी से आए हैं। आपका क्या मानना है क्या कुछ समर्थन यहाँ किस पार्टी को और किस कारणों पर किन मुद्दों पर है। देखो पहला तो मुद्दा विकास है राकेश बाबू जब तक BSP में थे तो बहुत लोगों का सपोर्ट था उनका उनके लिए हर तरह से हम उनके लिए तत्पर थे लेकिन उन्होंने पार्टी बदल दी अब जो BSP का बंदा आया तो BSP में ही रहेगा जो लेकिन वो भी BSP के थे लेकिन इस बार उन्होंने अपना दर बदल दिया तो यहाँ पर जो दर बदल हुए हैं लोगों को ऐसे कैसे हो सकते हैं आज तो सपा में गए हैं सारे आने वाले 5 सालों में BJP में जा सकते हैं। लेकिन ओपिनियन पोल जो कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की टक्कर बता रहे हैं ऐसे में BSP को वोट देना कितना उचित मानते हैं आप जब सीटों की बात जो कही जा रही है वो कम आ रही है कह रहे हैं कि उनकी सीटें कम आ रही हैं मायावती की या तो अखिलेश जी आ रहे हैं या फिर योगी जी रिपीट हो रहे हैं तो ऐसे में मायावती जी को वोट देना कितना सही मानते हैं। देखो अभी यहाँ पे 2 एरिया हैं एक तो इधर आ जाइए इस टाइप में थोड़े यादव साइड भी हैं और एक दूसरी नारकी की तरफ है वहाँ पर ठाकुर लोग हैं वहाँ ने उन्होंने पूर्व विश्वास दिखलाया है कि हम आपको बाबू ADM साहब बाबूजी को ही वोट देंगे क्योंकि उस दिन वहाँ पे BJP को डर लग रहा है हारने का तो उस दिन योगी जी भी आए थे उनको कि भाई कमल को ही वोट दो लेकिन वहाँ पे जो ज़मीनी स्तर पर जो बात की जा रही है वो सब BSP के लिए है क्योंकि ADM साहब वहीं के लोकल हैं तो आदमी अपने लोकल को ही चाहते हैं बाहर के प्रत्याशी को बसपा के प्रत्याशी को यहाँ समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं जी बाबू जी क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर बहुजन समाज पार्टी को इतना यहाँ सपोर्ट किया जा रहा है उनको माना जा रहा है कि उनको उस बार वो यहाँ से जीतेंगे। हाँ मुद्दे तो हैं और मुद्दे हैं बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी ही नहीं है वो एक मिशन भी है जो बहुजनों में जन्मे हुए महान पुरुष हैं उनके सपनों को साकार करती है
जो बहुजन महापुरुषों के सपने थे, जो दलित पिछड़े मजलूम और बेसहारा लोग थे, इनकी आंखों में सदियों सदियों से खून के आंसू बहते आए हैं और इन महापुरुषों ने सर्वस्व नौछावर करके इनके उन आंसुओं को पहुंचकर उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाने का काम किया है। उन सपनों को साकार करने का बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। भाजपा भी तो कहती सबका साथ सबका विकास हमने किया है। भाजपा तो इस देश में वो व्यवस्था लाना चाहती है, यानी एक इतनी बड़ी चौड़ी खाई पैदा कर रही है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसपे, यानी खाने के लिए शाम को रोटी नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास खरबों रुपया की संपत्ति है, इतनी बड़ी चौड़ी खाई पैदा कर रही है भाजपा। इस देश के अंदर बहुत बड़ी दुर्दशा पैदा कर रही है। इस देश हमारा सोने की चिड़िया था और ये कंगाल बनाने का काम कर रही है भाजपा सरकार। जो योगी सरकार 5 साल रही है, इससे कितना खुश हैं आप? किन किन कामों से खुश हैं या नाखुश हैं आप? नाखुश तो इस प्रसन्नता ही बात कर रहे हैं, ये तो सर इससे नाखुश ही नाखुश है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, यानी खेती पर निर्भर रहते हैं हम लोग। कितनी समस्या है, हमारे बच्चे और हम, यानी 24 घंटे और विशेषकर रात्रि के, यानी भाजपा के लोग तो कहते हैं किसानों को सम्मान निधि दी है और गरीबों को राशन दिया है, बाकी और क्या चाहते हैं आप लोग? सम्मान निधि 2000 रुपया दे रहे हैं, हमारी सारी फसल चौपट यानी साढ़ कर रहे हैं, यानी 2000 रुपया की बजाय हमारे लाखों रुपया का नुकसान हो रहा है। वो 2000 रुपया से भला है कि यानी हमारी फसल बच जाए, वो बढ़िया। आप भी बाबू जी बसपा का सपोर्ट करना चाहिए? हाँ, कहना चाहते हैं। और एक मिशनरी में एक बात, एक अपनी कविता की 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ, सुनो। सहे अपमान सदियों से, सहे अपमान सदियों से, दिया सम्मान बसपा ने, हुए निष्प्राण जो भोजन, भूख दी जान बसपा ने, मिशन के रास्ते चलकर किया साकार सपनों को, नील अंबर में नीला ध्वज दिया है तान बसपा ने। नील अंबर में नीला ध्वज दिया है तान बसपा ने, ऐसा ये समर्थक बसपा के हैं, उनका ये दावा है जी। आप भी क्या बसपा के समर्थक हैं? बसपा के। ऐसा क्या कुछ आप मानते हैं, कुछ ज़्यादा कोई मजबूत सी एक बात बताइए इसको लेकर, बहुजन समाज पार्टी के आप इतने कट्टर समर्थक हैं? उसका कानून व्यवस्था सही रही, सारे काम उसके सही रहते हैं, और तो हम तो इसी कानून व्यवस्था की तो योगी जी भी दब भरते हैं। कहने में करने में फर्क होता है, ये तो कुछ क्या कुछ कह देते हैं, और जो कहते हैं राशन दे रहे, कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा खाया, कर्मचारियों का खाया। ये चीज तो विपक्ष भी कह रहा है कि 500 एनकाउंटर सरकार में हुए हैं, कानून व्यवस्था संभाल, लेकिन उन्होंने किया है कहीं नहीं, एक भी नहीं, सब इनको ढपोल रहा हुआ है, वो कुछ नहीं किया उन्होंने बीजेपी। तो किसान परेशान वाली बात आती है, पशुओं से किसान परेशान है, लेकिन वो कह देते हैं कि हमने तो किसान सम्मान निधि दी है, किसानों की आय दुगनी की है। अब 200 रुपया 2000 दे रहे हो और 50,000 को क्या माल खाए रहेंगे किसान को गाय, तो इससे क्या फायदा है? सारी रात खेतों में बैठे बैठे आ जाते हो किसान। योगी सरकार नहीं आएगी क्या ऐसे, अगर ऐसे ही रहेगा तो? संभव बिल्कुल नहीं आएगी, देखते रहना, नहीं आएगी। क्या कहना चाह रहे हैं योगी सरकार? वो बिल्कुल ना आ रही। ऐसा क्यों? अरे सब गई ना वहाँ, फिर देख लो तुम। हाँ तब बताएंगे, अगर बामे काटे का कहीं छोड़ो हो तो बता दो, आ जाओ चलो तुमने खेत देख लो, बामे जिना के काटे का वहाँ यही ना कचू बता दू। हाँ खेत खराब हो गए हैं, पशुओं ने गई ने खा लो, खेत दिखा रहे हैं, चलो खेतों के पास के खेत भी दिखा देते हैं आपको। ये आप देख लीजिए, किसानों के खेतों को बर्बाद करने की बात आवारा पशुओं के द्वारा की जा रही है, ये खेतों को बर्बादी की बात किसानों के द्वारा किया जाता है। और खेतों को दिखा देते हैं आपको, क्योंकि हम जहाँ रिपोर्टिंग अभी कर रहे हैं, लोगों का रुझान जो जान रहे हैं वो खेतों के पास में ही है। आ जाइए। अच्छा यही ना, बिल्कुल ढूंढ ही ढूंढ रहे, इतने से ढूंढ रहे, अब का काटेंगे हम? चलो आप दिखवा। तो किसान परेशान है, वो कह रहे हैं 2000 रुपये हम सम्मान निधि देते हैं। 2000 रुपया तो खाए जाओ बता तुम, हमारे जो बापा हम हो तू है 10 क्विंटल और वो खाए गए, अब बात का फ्री में राशन दे रहे, नमक दे रहे, बात का है रो 10 किलो तो। हाँ बात है, जब हमारे 10 या 15 क्विंटल जाए रो। कल अखिलेश यादव जी कह गए हैं, टुंडला में आए थे, कह गए हैं कि जो राशन जो भी मिल रहा है ना फ्री में, उसको वो पूरी सरकार ना फ्री कर देंगे 5 साल। हमें फ्री नहीं चाहिए, हमारे जो खेती में तो भी सही है, रात पूरी रात डरे मजूरी करे ना जाए पा रहे भाई, देख रहे हैं मैं कहा तो कहूँ करे हम बाउ ना कर पा रहे। हाँ तो किसान परेशान है, और यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं उनका यह दावा है और उनका यह कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उनकी सरकार में जो काम किए गए उनसे
यहाँ की जनता खुश है और अब तक जो 5 साल योगी सरकार चली है उनसे जनता नाखुश है। तो ये रुझान टूंडला विधानसभा के गांव बनकट का है। ये आपने देखा कि अलग अलग लोगों से जो हमने रुझान लिया है, चाहे वो युवा हों, किसान हों, बुजुर्ग हों, उन्होंने अपने अपना रुझान में अपनी अपनी बात कही और जहाँ तक का जो रुझान है उसमें बहुजन समाज पार्टी को पूरा और भारी समर्थन मिलने का दावा किया गया है। फिलहाल आप देखते हैं खबर एक्सपर्ट, खबर एक्सपर्ट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अपने सहयोगी गौरव पालीवाल के साथ पवन शर्मा, खबर एक्सपर्ट, टूंडला विधानसभा, फरीदाबाद।